वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोज। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे है ये दिखने वाले हैं। ये आपकी 10th स्टैंडर्ड की बुक्स में ये टॉपिक आता है रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, वो एक फ्लावर होता है। फ्लावर के चार वोल्स होते हैं। चार वोल्स कौन से होते हैं? वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में चारों वोल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो यूनि मतलब एक ही वोल प्रेजेंट होगा, एसेंशियल वोल। तो चार वोल्स कौन से हैं आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला वोल है कैलिक्स। कैलिक्स ये रहा, ये जो ये हरी पत्तियां यहाँ दिख रही है ये कैलिक्स है। ये देखिए ये कैलिक्स है। तो एक कैलिक्स जो है वो सबसे पहला वोल है, सबसे आउट ऑफ मोस्ट वोल है। और ये हर एक मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। तो ये एक एक सेपल है। सेपल कैलिक्स के बाद नेक्स्ट वोल जो आता है, नेक्स्ट ये दो एक्सेसरी वोल्स है, मतलब ये एसेंशियल वोल्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वोल्स नहीं है, जो ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं आते, लेकिन ये भी वोल्स होते हैं। तो ये कैलिक्स के बाद ये जो नेक्स्ट वोल है इसको कहते हैं कोरोला। अब कोरोला कौन सा वोल है? ये वाला। हर एक मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल्स। हमको पता है गुलाब की पत्तियां होती है ये, तो ये एक एक पेटल है। तो ये सारे पेटल्स है, ये पूरा एक सेकेंड वोल है, ये सेकेंड वोल इज कॉल्ड कोरोला। सो कैलिक्स, every member is sepal, it is green in color. Corolla, every member is called petal, it is multicolored, in this case it is red colored. और उसके अंदर जो वोल्स, दो वोल्स है हम जो देखने वाले हैं वो essential वोल्स है। तो ये दो वोल्स accessory वोल्स है, calyx and corolla. अभी essential वोल्स हम देखते हैं, तो ये थोड़ा हम फूल को देखेंगे अंदर से। ये देखिए, अगर हम सारी पत्तियां निकालते हैं यहाँ पे, ये देखिए सारी पत्तियां हम अगर निकाल देंगे तो फ्लावर में अंदर क्या रहता है, ये रहा। ये देखिए, तो हमने रोज तो कई बार देखा होगा, पर रोज के अंदर क्या होता है वो हमने ज्यादातर देखते नहीं है हम, लेकिन ये साइंस में हमको ये पढ़ना है, तो ये हम देख रहे हैं। ये देखिए, अगर सारी पत्तियां मैंने निकाल ली तो अंदर क्या बचता है, ये देखिए, ये आते दो एसेंशियल वुड्स। तो ये सारी पत्तियां निकल गए, पेटल्स सारे निकल गए। ये देखिए, अभी दो एसेंशियल वोल्स कौन से वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें आपको मैं बताऊं, सबसे बाहर जो हमको ये सारे दिख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो एक एक पत्ती है, आपको क्लियर दिखने के लिए मैं थोड़ा दूर लेकर जाऊं। अब देखिए, आपको अंदर के दो एसेंशियल वोल्स अब फोकस में दिख रहे हैं। तो ये दो एसेंशियल वोल्स तो है, उनको उनका नाम है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज मेल पार्ट, गाइनोशियम इज फीमेल पार्ट। जो हमको ये सारे जो पत्तियां दिख रही है, एक मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जो है एक ऐसे आपको कई सारी दिख रही है। तो ये हर एक को हम कहेंगे स्टेमेन। तो ये मेन आता है, जैसे मेल के अंदर मेन है, तो ये मेल पार्ट है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का हर एक मेंबर जो है वो है स्टेमेन। और ये जो है ये एंथर दिख रहा है आपको। तो ईच स्टेमेन इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, एंथर, और वहां पतली ऐसी लंबी लाइन जो है जिससे ये ऊपर ऐसे उठा हुआ है, ये पतली लाइन को कहते हैं फिलामेंट, और ये ऊपर जो ये पार्ट है उसे कहते हैं एंथर। तो फिलामेंट एंड एंथर मेक वन स्टेमेन, एंड ऑल द स्टेमेन टुगेदर, वो जो थर्ड वोल है वो हम पढ़ रहे हैं, वो है एंड्रोशियम। और ये जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन्स, वो मेल जर्म सेल है। मेन जो मेल गैमेट जो बनते हैं वो यहाँ पोलन से बनते हैं। तो ये रहा, ये है एंथर और फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतने सारे, ये सारे इतने सारे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी इतने सारे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम इज द फोर्थ वोल, और सिंस दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे थर्ड वोल और फोर्थ वोल दोनों है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, सारे ये जो स्टेमेंस है, और अंदर जो है वो कार्पल है। तो ये जो अंदर पार्ट है, अब ये सारे स्टेमेंस भी मैं निकाल रही हूँ, तो अगर हम सारे स्टेमेंस भी निकाल देंगे तो देखिए अंदर क्या बचता है। ये देखिए, आपको अभी एंथर फिलामेंट यहाँ से निकाल के अंदर का पार्ट बताऊंगी मैं। ये देखिए, ये जो है अब है फोर्थ वोल, That is gynosium, gynec, gynecologist भी होते हैं, वो फीमेल्स जब जब प्रेग्नेंट होते हैं तभी भी वो gynecologist के पास जाते हैं। तो gynosium is related to female, gynec. तो gynec specialist doctor होती है for females.
डिलीवरी के टाइम पे जो रहती है। तो अब ये देखिए आपको जो दिख रहा है गाइनोशियम, वो सबसे अंदर का ये सेंट्रल पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये सेंट्रल मोस्ट पार्ट, ये है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फोर्थ एसेंशियल वॉल, और इसके हर एक मेंबर को कहते हैं कार्पेल। और ये जो कार्पेल है, कार्पेल इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव वॉल जो है, मेल वॉल हमने देखा था, एसेंशियल वॉल दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का हर एक मेंबर हमने बोला था है स्टेमेन, ये हर एक मेंबर है कार्पेल, ठीक है। और ये स्टेमेन का देखो अभी आपको फिलामेंट्स क्लियरली दिख रहे होंगे, क्योंकि सारे एंथर मेरे नीचे गिरे, फिलामेंट्स यहाँ रह गए। तो एंथर फिलामेंट जो है, हर एक स्टेमेन इज मेड अप ऑफ एंथर फिलामेंट, वैसे ही हर एक कार्पेल इज मेड ऑफ थ्री थिंग्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर है, जो हमको यहाँ ऊपर दिख रहा है वो स्टिग्मा है, ये स्टिकी बन जाता है। और पोलन जो है, मेल पार्ट जो है एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स, पोलन निकलते हैं, वो पोलन जाके इस स्टिग्मा पे आते हैं, जब ये स्टिकी बन जाता है और पोलन अंदर जाते हैं। अब मैं इसको देखो अगर कट करूं, तो ये देखो स्टिग्मा के नीचे जो ये पार्ट है, नीचे का पार्ट, ये ओवरी है। और जो एक जैसे फिलामेंट से वैसे एक लंबी लाइन स्टिग्मा से नीचे जा रही होगी, वो होगी स्टाइल। तो स्टिग्मा ऊपर, स्टाइल, और जो ये नीचे मेन पूरा ओवल पार्ट है वो ओवरी है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस मेक्स ईच कार्पेल एंड ऑल द कार्पल्स टूगेदर मेक द फोर्थ एसेंशियल वॉल, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच इज कॉल्ड गाइनोशियम। तो ये हमने चार एसेंशियल वॉल्स फ्लावर के पढ़े, और हमने देखा कि कैसे रोज जो है वो एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है। तो फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये एक पहला पॉइंट है। तो फ्लावर की हम पूरी स्टडी करने वाले हैं ये चैप्टर में। और फ्लावर के अंदर चार फ्लोरल वॉल्स होते हैं, वॉल्स कहते हैं इसको, मतलब लेयर्स, जैसे हम कॉलीफ्लावर में देखते हैं एक एक लेयर्स होते हैं, या रोज फ्लावर में भी लेयर्स होते हैं, तो वो तो एक्चुअली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वो एक ही वॉल है। तो वैसे एक्चुअली ऐसे चार कवरिंग्स, मतलब चार ना, बाहर का, अंदर का, फिर उसके अंदर अंदर, ऐसे तो चार वॉल्स होते हैं। ये कौन से है, यहाँ देखो नाम दिया गया है, ये सारे बहुत सारे नए नए नाम आएंगे, और इसको इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसको आप बार बार देखो तो ही होगा। एक बार सुनने से, एक बार पढ़ने से आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला, और नहीं पढ़ाई होगी, बार बार आपको उसको रिवाइज करना, करते रहना पड़ेगा, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो कि आपको सब समझ में आया है और आपको ये वर्ड्स याद रह रहे। काफी सारे नए वर्ड्स है, इसलिए ध्यान से इसको बार बार करना है। तो फ्लावर में चार वॉल्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, ठीक है। तो अभी कैलिक्स जो है सबसे बाहर होता है, ये देखिए ये कैलिक्स है। अब एक फ्लावर का भी इमेज बता देती हूँ मैं, जैसे फ्लावर, ये रोज फ्लावर है, तो ये देखो रोज फ्लावर में लीव्स तो है, रोज के पेटल्स भी है, हमको ये पता है रोज फ्लावर है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो, ये ग्रीन पेटल्स की तरह है, पर ये ग्रीन कलर के, तो इसको कहते हैं कैलिक्स। और ये जो रोज के फ्लावर में रेड कलर के जो पेटल्स है, उसको कहते हैं कोरोला। तो ये कैलिक्स और कोरोला है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो अंदर के दो वॉल्स है, वो रोज के अंदर होते हैं। तो रोज को जब आप पूरा पेटल्स निकाल दोगे, तो आपको वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दिखेंगे। तो ये है, तो हमने कैलिक्स और कोरोला देखा। कैलिक्स के हर एक मेंबर को कहते हैं सेपल, तो ये जो हरी पत्तियां होती है नीचे, उसको हर एक को कहते हैं सेपल, हर एक पत्ती का नाम सेपल है। तो मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स, और वो ग्रीन कलर के होते हैं। और कोरोला के हर एक मेंबर को पेटल कहते हैं, जो हम पंखड़ी कहते हैं, जो फूल की हर एक पंखड़ी, तो पेटल। तो मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड पेटल्स, एंड दे आर वेरियसली कलर्ड, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये कैलिक्स और कोरोला हो गया। अब अंदर के जो दो है वो इम्पोर्टेंट है, ये तो सिर्फ एक्सेसरी वॉल्स कहे जाते हैं, चार में से दो है एक्सेसरी वॉल्स। एक्सेसरी वॉल्स मतलब सजावट के लिए, जैसे एक्सेसरीज ना, कुछ भी आप पहन रहे हो, अगर हैंड में बैंड पहन रहे हो, बैंगल्स पहन रहे हो, कुछ भी ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हो, तो वो सब एक्सेसरीज होती है। तो एक्सेसरी वॉल्स मतलब एक्स्ट्रा, सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए। और जो बाकी दो वॉल्स है वो एसेंशियल वॉल्स है, वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है, वो जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो एसेंशियल वॉल्स है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम से वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए, गाइनेक, गाइनेकोलॉजिस्ट होते हैं। गाइनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स के साथ रहते हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे भी रहते हैं, जो पूरा प्रोसेस में जो मॉनिटर करते हैं प्रेगनेंसी को, उनको गाइनेक कहते हैं, गाइनेकोलॉजिस्ट। तो गाइनेक जो है, ये वर्ड, ये जो पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व है, उससे कनेक्टेड है। तो इसलिए गाइनेशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रो, एंड्रो हमेशा जो है मेल के लिए कहा जाता है, तो एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फोर वॉल्स है फ्लावर में,
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स हमने देखा बाहर का पार्ट, कैलिक्स हर एक मेंबर को सेपल कहते हैं ग्रीन कलर का, कोरोला हर एक मेंबर को पेटल कहते हैं मल्टी कलर्ड होता है, और अंदर है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये देखो एंड्रोशियम एक्चुअली यहाँ दिखाया गया है, इसको डिटेल में हम देखेंगे। एंड्रोशियम के हर एक मेंबर को क्या कहते हैं वो यहाँ लिखा गया है। देखो एंड्रोशियम इज द मेल वॉल, मेल पार्ट है, और इसके मेंबर्स को कहते हैं स्टेमेंस, ठीक है, हर एक मेंबर को स्टेमेन कहते हैं। और गाइनेशियम इज फीमेल वॉल, उसके मेम्ब्रेन नहीं, ये वर्ड होना चाहिए मेंबर्स, एंड इस मेंबर्स आर कॉल्ड कार्पल्स। तो स्टेमेंस और कार्पल्स, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ स्टेमेंस का, ये जो आपको दिख रहे ये लंबे लंबे ये स्टेमेंस है, देखो 1 2 3 4 5 6 छह स्टेमेंस है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, एंड्रोशियम है ये। तो हर एक एंड्रोशियम के हर एक मेंबर को स्टेमेन कहते हैं, और ये है गाइनोशियम का मेंबर, तो गाइनोशियम के हर एक मेंबर को कहते हैं कार्पल, स्टेमेन और कार्पल। तो ये कार्पल है ये लंबा जो यहाँ पे दिख रहा है। अब स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन किससे बना है, मतलब देखो एंड्रोशियम गाइनोशियम है, एंड्रोशियम के हर एक मेंबर स्टेमेन है, और एक मेंबर अगर आप स्टेमेन भी लोगे उसके अंदर भी देखो हिस्से जो उसको नाम दिए गए, ये लंबी जो डंडी है ऐसे लंबी जो है ये फिलामेंट कहते हैं इसको, लंबी स्टिक को, लाइन को, और इसके ऊपर जो ये पार्ट होता है इसको एंथर कहते हैं। तो एंथर प्लस फिलामेंट इज स्टेमेन विच इज पार्ट विच इज वन मेंबर ऑफ एंड्रोशियम। ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है, एंथर प्लस फिलामेंट इज स्टेमेन एंड स्टेमेन इज अ मेंबर ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के एक मेंबर को स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। और एक आगे भी आएगा, एंथर के ऊपर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो रिप्रोडक्शन आपको पता होगा रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन से होता है फ्लावर्स में, तो वो पोलन ग्रेन्स जो यहाँ पे होते हैं एंथर के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा पे और स्टिक हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मेल पार्ट ये फीमेल पे जा रहा है, तो ये एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये एंथर हुआ, एंथर फिलामेंट मीन्स स्टेमेन विच इज मेंबर ऑफ एंड्रोशियम। अब गाइनोशियम का मेंबर है कार्पल, ये कार्पल दिखाया गया है, कार्पल में तीन पार्ट बताए गए, ऊपर स्टिग्मा ये लंबे ट्यूब जो स्टाइल और नीचे ओवरी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एवरी मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल, ये याद रखो ये समझो, गाइनोशियम का हर एक मेंबर, यहाँ पे एक ही मेंबर दिखाया गया ये कार्पल है, और कार्पल भी तीन पार्ट से बने हैं, ऊपर स्टिग्मा जो स्टिकी पार्ट होते हैं जहाँ पोलन ग्रेन स्टिक होते हैं, स्टाइल और नीचे ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फ्लावर का पार्ट तो है, तीन चार वॉल्स होते हैं, लेकिन अभी कैसा होता है कि फ्लावर्स भी दो टाइप के होते हैं, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, ये देखिए मैंने रेड में मार्क किया है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अब ऐसा क्या, इसका क्या मतलब है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि इसके अंदर चारों वॉल्स प्रेजेंट हो गए, मतलब कैलिक्स और कोरोला मतलब सेपल्स और पेटल्स तो हो गए ही, ठीक है, उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो एक्सेसरी है, तो दो हो गए, ठीक है, लेकिन बाकी दो जो एसेंशियल वॉल्स है वो दोनों एसेंशियल वॉल्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है तो उसको बाय कहते हैं, एक ही दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल में दोनों हो गए, यूनिसेक्सुअल में दोनों में से एक होगा। अब एंड्रोशियम इज मेल पार्ट, गाइनोशियम इज फीमेल पार्ट, दोनों है तो वो फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, उनमें दोनों दोनों प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा मतलब या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या तो गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो वो मतलब उसके अंदर कैसा होगा, अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा तो वो फ्लावर को हम मेल फ्लावर कहेंगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होगा तो उसको हम फीमेल फ्लावर कहेंगे। ये देखिए लिखा है मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। तो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं अलग टाइप के होते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं और मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, उनको देख के पहचान सकते हैं। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल हिबिस्कस है और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल पपाया है। ये देखिए बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल हिबिस्कस है, हिबिस्कस कैसा है यहाँ पे देखिए, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है ना, ये एंड्रोशियम है और ये गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है पपाया, और ये पपाया फ्लावर यहाँ पे दिखाया गया, देखो दो अलग अलग फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, क्या फर्क दिख रहा है इन दोनों में, मेल फ्लावर देखो, मेल फ्लावर में सिर्फ फिलामेंट और एंथर है ना ऐसे, और फीमेल फ्लावर है उसके अंदर सिर्फ बीच का पार्ट है, ये ओवरी है, ये जो आपको गोल नीचे दिख रहा है वो ओवरी है, स्टाइल होगा और ये ऊपर स्टिग्मा है सब, तो इसके ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक होते हैं, ये नीचे ओवरी है, और ये ओवरी जो होता है उससे ही फ्रूट बनता है, मतलब पपाया जो बनेगा वो फ्रूट ये ओवरी के कोई वो बड़ा होके पूरा पपाया बनेगा, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से इस फ्लावर पे आएगा, यहाँ पे पपाया बनेगा, तो ये जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच इज पपाया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. थैंक यू. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.